कोई काम इस सरकार में भी हो रहा है। अब इस समय हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है और जनता परेशान हो रही है, इसलिए हमने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को बनाया है और हम इसलिए हम लोकसभा की 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। केवल एक हमने नेताजी के लिए छोड़ी है, वैसे तो नेताजी को मैंने ऑफर भी किया है, वो हमारी पार्टी से चुनाव लड़े। कई बड़े दिग्गज नेता सपा को छोड़ करके आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सभी लोग आ रहे हैं, जहाँ देखिए सम्मान मिलेगा वहीं तो आएंगे। अब वो हमारी जो पार्टी पुरानी पार्टी थी जिसे हम सब लोग छोड़ा है, उसमें सबसे पहले तो नेताजी का अपमान हुआ, फिर मेरा अपमान हुआ, धीरे धीरे सबका अपमान हुआ। केवल उसमें चापलूसों की गिनती थी, चुगलखोरों की नहीं गिनती थी, उसकी वजह से एक एक करके उस पार्टी को छोड़ करके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं और हमारा दावा है कि ऐसा हमारी पार्टी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में है उन सभी को सम्मान मिलेगा। आप तो इधर प्रबंधन सुन रहे हैं, किसी पार्टी का प्रबंधन करेंगे? देखिए मैंने जो समान विचारधारा के लोग हैं, लगभग लगभग हमारी 45 लोगों से बात हो गई, उसके बाद हमारी बात हो गई है जो वाम से पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वामन मिश्रा, जो कि मुक्ति क्रांतिकारी पार्टी है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुझे पूरा समर्थन देने का काम किया और 9 दिसंबर को लखनऊ में हम लोग ये सभी जितने भी समाज विचारधारा के लोग हैं और हमारी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लखनऊ में बहुत बड़ी रैली करने जा रही है।